नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद बवाना के पूटकला गांव में और साथ ही हमारे हाई एक्स तोमर जी हैं जो कि पूर्व के मंडल अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। आइए इनसे बात करते हैं क्षेत्रीय मुद्दों पे, किस तरह के हालात जो हम देख रहे हैं आज, कि कब से बने हुए यहाँ के मौजूदा पार्षद विधायक जी के बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी तोमर साहब, जैसे हम आपके किशन विहार क्षेत्र में घूम रहे हैं, काफ़ी हालात जो गंभीर स्थिति देखी जा रही है, जिसमें सड़कों में पानी, काफ़ी लोगों ने दिए अपने 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 विचार रखे समस्याओं के बारे में, और जो समस्याएं हैं कितने समय से बनी हुई सर? ये समस्या जी कई सालों से बनी हुई है सर। ये समस्या जो भी नगर पार्षद आते हैं हमारे एरिया में नहीं देखता कोई भी, सिर्फ वोट के लिए आ जाते हैं और अपना फिर वो अपने पूट गांव का और इधर का बुआने क्षेत्र का सुधार करते हैं। तो सर, आम आदमी पार्टी आई थी अपने कूड़ों के पहाड़ को लेकर, जो उनका मेन मुद्दा था जी, और दिल्ली को हम बनाएंगे लंदन पेरिस जी, क्या लगता है कुछ हुआ पाया? नहीं जी, उससे तो ज़्यादा ही कूड़ा हो गया अब तो। अच्छा। उससे ज़्यादा ही कूड़ा हो चुका, क्योंकि ना तो कोई, जब से जीते हैं ना तो कोई नाली साफ होती है, ना कोई सुधार है, ना तो कोई सड़कें बनी हुई है जी। तो उन्होंने कहा था हम काम करेंगे, पर उन्होंने हमें नहीं लगता ये काम करते हैं कोई भी। सर, मगर अब तो विधायक भी इनके हैं और पार्षद भी हैं, तो उसके बावजूद भी क्षेत्र के हालात इस तरह से देखने, ये क्षेत्र तो जी बस यही है, क्या कह सकते हैं, वो आते ही नहीं है ना, किसी को जाए तो कहीं मिलते ही नहीं है जी। तो किसको बोले, तो मंडल अध्यक्ष का यही होता है अध्यक्ष, भाई किसकी विपता है, किसकी दिक्कत है, उसको सुधार करा जाए। बिल्कुल। तो उनको तो बुलाया जाता है तो आते नहीं है, कई बार उनको बुलाया भी नहीं आए सुधार, उनको खुद घूमना चाहिए एरिया में, मेरे एरिया में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। बिल्कुल। अब किसी को बुलाने से कोई होता किसी, वो तो देखने से काम होगा, काम होगा। बिल्कुल। अब वही है, बोलते भी है तो वही है, फिर ऊपर वाले करेंगे, केजरीवाल जी करेंगे, केजरीवाल जी क्या करें, केजरीवाल तो कभी आए नहीं, यहाँ देखा ही नहीं उन्होंने कभी जीवन में, आगे झाँका नहीं ऐसे एरिया में जी। तो वही है, क्या कह सकते हैं झाड़ू के बारे में, जब से झाड़ू की सरकार आई है इस किशन विहार के अंदर, जब से कोई सुधार नहीं है। सर, आप भी एक राजनीतिक, जैसे आप पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं, आपके पिताजी भी काफ़ी लंबे समय से भाजपा में रहे जी, और उन्होंने देवेंद्र सोलंकी जी के भी चुनाव में कहीं ना कहीं उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा था जी। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी शुरुआत हुई राजनीति से जी? देखो, जैसे हमारे पिताजी थे हरपाल तोमर जी, तो उनका शुरू से ही बीजेपी में बहुत वो रहा, हमारा तो प्यार बीजेपी से है शुरू से ही। हम तो ये है, जहाँ हमारी पार्टी हमें बुलाती है हम उनके लिए सेवा के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो हमारा तो यही मकसद है जो बीजेपी के लिए, क्या अच्छा कैंडिडेट खड़ा अपने एरिया का देख के खड़ा कराया जाए, जो ये उनको दिखे हाँ भाई ये दमंग आदमी है, ये निकाल सकता है। और जो आदमी को वही है कि जो मौजूद आदमी है, हम तो गरीब आदमी है, हमारे को तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो सेवा करते हैं, हमें जान है, हमारी पहचान है, बस इतनी है। जब हमारा कोई टाइम आता है MLA इलेक्शन लड़ने का जी, तो पैसे वाले आके खड़े हो जाते हैं बीच के अंदर। तो वही है, अपना दे के वोट टिकट ले लेते हैं, जो जिनकी छवि है कुछ, जो जीतने वाले उनको कोई पूछता नहीं, हम लोग तो सिर्फ झंडा लेके सेवा में लगे रहते हैं कि भाई हमारी पार्टी है, मोदी जी की पार्टी है, हम इसलिए उनके लिए पीछे खड़े रहते हैं। तो अभी जो मंडल अध्यक्ष जो बने हैं नए चेहरे, जैसे यहाँ के सुधीर शर्मा जी बने सर, क्या लगता है आपको सुधीर शर्मा जी से क्या उम्मीदें रखते हैं, आगे संगठन को मजबूत कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? देखो जी, अभी तो बने हैं फिलहाल में, तो अभी उनको करीब दो चार महीने ही हुए बने को, थोड़ा उनको देखेंगे, दो तीन साल जमाएंगे तो देखते हैं कैसा काम करते हैं, किस तरीके से चलते हो, क्योंकि अभी तो नए बंदे में आदमी पता नहीं लगता ना क्या हिसाब है, चार महीने के अंदर में एक दो साल हो गए तो उनको देखेंगे अच्छा काम करते हैं, वो तो फिर करने से पता लगता है पार्टी का, भाई ये लड़का कैसा है, किस सुधार से हमारा मंडल अध्यक्ष काम कर रहा है नहीं कर रहा है जिस तरीके से। अच्छा, जैसे आपके जो लोकसभा सांसद यहाँ के हंसराज जी सर, 5 साल को लेकर याद करें, जनता के बीच में कभी रूबरू कभी आए हैं जी क्षेत्र में? नहीं जी, हमारे क्षेत्र में कभी नहीं आए, वो इस क्षेत्र में बहुत ही बुलाने से कम आते हैं, कभी आज तक हमने तो देखा नहीं उनको आते हुए यहाँ पर। कोई इलेक्शन आ गया बड़ा, किसी ने फंक्शन किया तो बुलाने से आए, तो नहीं तो वैसे तो कोई रोल नहीं है क्षेत्र में, कोई काम नहीं देखने को मिला कभी, नहीं जीवन में नहीं आए। तो इस बार क्या लगता है लोकसभा में मोदी जी के चेहरे पे जीतेंगे इस बार सांसद? हाँ जी, अब की बार मोदी के चेहरे पे जीतेंगे जी, हमारे जो मोदी है वो साक्षात है, उनके चेहरे पे ही जीतती है पार्टी हमेशा। जहाँ चेहरे मतलब मोदी जी के चेहरे पे जीतते हैं, फिर उस तरीके से सांसद खड़े नहीं उतर पाते कामों पर, वही अजीब थोड़ा सा। हर मोदी जैसे तो नहीं हो सकते, हर इंसान कोई भी जैसे जो मोदी जी है उनके तरह तो नहीं है कोई टैलेंट इतना, पर वो है जैसे पार्टी में उतारे तो कोई अच्छा इंसान धमक आदमी उतारना चाहिए, जो बीजेपी के लिए काम कर सके, दिखा सके, आगे मेरी पार्टी जीत सके। अच्छा तोमर साहब, आप जैसे राजनीति काफ़ी पुराने हों और आप पूर्व के मंडल अध्यक्ष भी रहे सर, और आपकी दिल्ली के अलावा आपने राजस्थान चुनाव में अपने काफ़ी मतलब प्रचार प्रसार में रहे हैं आप सर, कैसा लगा आपको?
आपके बहुत अच्छा प्रचार किया जी, जा जा के गलियों में हर बहनों को भाइयों को समझाया है, उनकी वो सुनी है कि आपकी बार में बीजेपी है, जिससे आपको राजस्थान में इस बार आएगी पूरी उससे बीजेपी आएगी हमें लग रहा है की बार। तो आपका जो राजनीतिक दृष्टि से आप जुड़े हैं सर जी, क्या कहीं ना कहीं आप अपने पिताजी से प्रेरणा मिली आपको? जी पिताजी से प्रेरणा मिली है, पिताजी से ही हम साथ में लगे रहते थे पिताजी के, उनको भी थोड़ा बहुत लगाव था बीजेपी से, मुझे भी बहुत लगाव है। ओके सर। लगाव से ही कुछ बीजेपी से हमारा इतना लगाव है कि अब पूछो ना, आप कह नहीं सकते हम। तो अभी क्या सेवा दे रहे हैं आप अपने कृष्ण बिहार क्षेत्र के लोगों के लिए? जी मैं जैसा हमारे कोई आता है क्षेत्र के लिए, कोई दुख सुख है उनके लिए, हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं, जैसे भी हमारे से बनता है हम उनके लिए करते हैं। तो अभी फिलहाल जो समस्या देखने को मिल रही है, क्या इसके लिए कोई आपने आवाज़ कोई कुछ की है इसके लिए? देखो जी मैंने बहुत कोशिश करी, सबको समझाया, कहा उनका देखो क्षेत्र में जाके देखो, बोला भी नगर पार्षद से जी कि ये नाली है, सुधार है गलियों का, ये थोड़ा इनको सही, तो वही है आते हैं बना कह के चले जाते हैं, बस वही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, काम होता नहीं, काम होता नहीं, काम तो ऐसे ही पड़ा है पूरा टोटल, ये देखो पानी भरा पड़ा है, बार बार रोड को खोद देते फिर बंद कर देते, फिर खोद देते फिर बंद कर देते, ये तो समस्या बहुत बुरी करती है। एक काम को तो ढंग से नहीं करा जाता, उसको बना दिया जाता है, फिर उसको फिर तोड़ दिया जाता है, फिर तोड़ के फिर बनाया जाता है जी। तो ये तो केजरीवाल जी घाटा करवा रहे हैं अपना जी, ये बजट ही बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, क्या जो काम कर दिया है फिर उसको खोद दो, फिर उसको फिर उसी काम को फिर उझाल दो, ये क्या टेक्निक चल रही है, जो बारों को रोड को तोड़ो फिर बनाते रहो जी। इन्होंने रोड ऊपर उठा दिए इतने के मकान सबके नीचे आ गए हैं, ओके ओके, जिसमें पन्नी नीचे थी, सरकार ने कहा था PW ने कि ये पन्नी से ऊपर रोड जो बनाएगा उसको पाड़ के बनाएगा, ओके ओके, पर ये आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये तो ये क्या ऊपर ही बनाते चले जाओ, लोगों के मकान नीचे दबाते चले जाओ। अच्छा वैसे आपको राजनीति में कितना समय हो गया आपको? मेरे को जी करीब हो गए जी 20 साल से ऊपर हो गए। कभी सोचा आपने कभी चुनाव को लेकर, कभी आपने नगर निगम के लिए कोशिश की? नहीं जी अभी तक तो नहीं, क्योंकि जो पिताजी थे हमारे, हम तो उनके साथ जुड़े हुए थे, तो जैसा पिताजी को 3 साल गुजरे हुए तो अब देखते हैं जैसा भी होता है। पब हमारी तो जो हमारे कृष्ण बिहार के क्षेत्र जितने भी हमारी बहन भाई है जितने भी है, वो कहते हैं कि आप कदम तो उठाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं जी। मतलब तो, आपका एक अच्छा चेहरा है सर कृष्ण बिहार के लिए। हाँ, पूरा पूरा क्षेत्र जानता है जी कृष्ण बिहार में, हरपाल तोमर के नाम से किसी चेहरे से किसी बंदे से आप पूछ सकते हो कि भाई हरपाल तोमर बीजेपी में क्या इंसान है, वो हर आपको कोई भी रिपोर्ट दे सकता है सच्चाई की।